Welcome back to our breaking update. In a major development that is now taking place from the Varanasi district of Uttar Pradesh, the Hindu side that has now decided to file a plea in the Varanasi court seeking ASI survey of the entire Gyanvapi complex. Now, the plea is likely to be filed on Tuesday by the Hindu side petitioners in Varanasi court. This was, remember, back on the 12th of May when the Allahabad High Court had ordered the ASI to conduct scientific survey of the shivling-like structure that was apparently found in the Gyanvapi complex by the ASI. Now, the purpose of the scientific survey of the structure was ordered by the court to ascertain whether the genuineness of the alleged shivling, who is Vishnu Shankar Jain, who is the counsel of the Hindu petitioners, had also sought the right to worship in the Gyanvapi complex. So this is a big development that is now taking place, as the Hindu side is now demanding that the entire survey of the Gyanvapi complex takes place. विष्णु शंकर जैन जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी शिवलिंगनुमा आकृति की ही बात हो रही थी, अब आप लोगों ने संपूर्ण परिसर की एसआई जांच की मांग की है, उसके पीछे का रीजन मैं जानना चाह रहा था। देखिए, रीजन की बात ऐसी है कि आप जैसे जानते हैं कि पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, और जिस तरह से सर्वे के दौरान गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले थे, उसकी हम डेटिंग की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ मस्जिद के वेस्टर्न वॉल की, जो वेस्टर्न वॉल है, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ पूरे परिसर की जो तहखाना है, उन सारी चीज़ों की जांच की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे परिसर की जांच की मांग इसलिए लाजमी है क्योंकि ऑलरेडी हाईकोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर चुका है। तो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, जब शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तो पूरे परिसर की डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, और इसलिए ये एप्लीकेशन हमने डाली है। आशुतोष, तो मतलब सिर्फ तथाकथित जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग नहीं, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स का सर्वे कराया जाए एएसआई की तरफ से? देखिए, बिल्कुल हिंदू पक्ष की अब ये नई मांग है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो शिवलिंग नुमा आकृति है उसकी एएसआई जांच कराई जाए और उसके बाद जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा था कि शिवलिंग नुमा आकृति ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिसर की जांच कराई जाए। और अब इसको लेकर जो हिंदू पक्ष है वो आज वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण परिसर की एएसआई जांच की मांग की जा रही है, और उसके पीछे की वजह भी है। दरअसल जब पिछले साल कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, तो उस दौरान वीडियोग्राफी के जरिए बहुत सारी ऐसी आकृतियां मिली थी जो इस बात की ओर इंडिकेट कर रही थी कि जो संपूर्ण परिसर है वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस्लामिक स्ट्रक्चर से इधर कोई दूसरा स्ट्रक्चर है जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमने देखा था कि जब जो तस्वीरें आई थी, जो वीडियो आया था, उसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि बहुत सारी ऐसी दीवारें थी जहां पर त्रिशूल के निशान मिले थे, शास्त्री के निशान मिले थे, इसके साथ ही कमल के निशान मिले थे, और जो मस्जिद के जो तीनों गुंबद थे उनका भी स्ट्रक्चर किसी मस्जिद, आम मस्जिद जो होता है, जो दूसरे मस्जिद हम देखते हैं, उस तरीके का नहीं था। लिहाजा हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अगर एएसआई जांच कराई जाती है संपूर्ण परिसर की, तो जो आदि विश्वेश्वर से जुड़ा हुआ जो मंदिर की बात कही जा रही है उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, और इसी को आधार बनाकर अब जो हिंदू पक्ष है वो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करने जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या उस एप्लीकेशन को एक तरीके से एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, ये देखने वाला होगा। और एक और मांग अभी फिलहाल रखी गई है हिंदू पक्ष की तरफ से, बिकॉज दे आर ऑल्सो सीकिंग द राइट टू वर्शिप इन द ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स एज वेल, ऑल्सो आस्किंग फॉर द इंटायर सर्वे दैट टू बी कैरिड आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इट्सेल्फ। धन्यवाद आपका आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।